ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साई दीदार चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। तो कैसा गया आज का आपका दिन? उम्मीद करती हूँ अच्छा गया होगा, बेस्ट गया होगा। और दूसरी चीज़, आपको पता है एक बार एक इंसान बहुत बीमार था, तो उसके रिलेटिव आते हैं उसके घर पर और उससे पूछते हैं कि आप कैसे हो। तो उसकी आदत थी कि वो कभी नेगेटिव ना बताता था ना सुनता था। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने दोबारा पूछा आर यू श्योर, आप ठीक हो? तो उन्होंने बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप मानोगे, वो जब तक उनके अतिथि उनके घर पर बैठे हुए थे, उनको फील ही नहीं हुआ कि वो बीमार हैं। तो ये होता है, हम जब पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड बिल्कुल पॉजिटिवली ही उसको पूरा, हमें संसार ही पॉजिटिव लगने लग जाता है। तो ये होता है पॉजिटिव सोचने का फायदा, प्रॉफिट। तो इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो यार, प्लीज़ पॉजिटिव सोचो। और आपको गुस्सा आता है ना, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हमें गुस्सा बहुत आता है। जब गुस्सा आए ना, तो एक चीज़ ज़रूर सोचना कि यार मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं अभी भी गुस्सा कर रहा हूँ, और गुस्सा करने के 5-10 मिनट या फिर 1 घंटे बाद तक मेरा मूड वैसे ही ख़राब रहने वाला है और सुनने वाला तो सुनकर चला जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ? मेरा। टाइम वेस्ट किसका हुआ? मेरा। दिमाग खराब किसका हुआ? मेरा। उसका क्या गया? कुछ नहीं। एनर्जी किसकी वेस्ट हुई? मेरी। सब कुछ किसका गया? मेरा। तो मैं क्यों इतना गुस्सा करूं भाई? इसलिए आज से आप गुस्सा करना कंट्रोल करेंगे, एकदम से तो कम नहीं होगा लेकिन कंट्रोल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रही बात आज रात या फिर हर रोज़ रात को सोने से पहले आपको बाबा को अपनी पूरी दिनचर्या बतानी है कि बाबा मैंने दिन में ये किया वो किया, ये मैंने पिछली बार में बताया था। और अगर आपके आपसे किसी का दिल दुखा हो तो उससे आपको माफ़ी मांगनी है, मन ही मन माफ़ी मांगनी है कि बाबा मुझसे गलती हो गई, मैंने उसका दिल दुखाया। अगर किसी का दिल आपने दुखाया या फिर किसी ने आपका दिल दुखा दिया है तो उन्हें माफ़ कर देना और सारी चिंताएं बाबा को देकर सो जाना। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी, आप बहुत अच्छा फील करने लग जाओगे। सारी चिंताएं बाबा को देकर सो जाओ कि देवा जिसका दिल मैंने दुखाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और जिसने मेरा दिल दुखाया उसको मैं माफ़ करता हूँ। कल से नई शुरुआत करेंगे, नए तरीके से जिएंगे। इसी के साथ बाबा रहम करना, दया करना और सबको पॉजिटिव सोचने की शक्ति देना, क्योंकि पॉजिटिव सोचना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी को साईं शुभरात्रि। ओम साई राम, जय साई राम। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे थॉट्स कैसे लगते हैं। ओके, जय साई राम सभी को।